आंवला नवमी के अवसर पर दुर्ग राजेंद्र पार्क में महिलाओं ने आंवला पेड़ पर धागा बांध की पूजा और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना। आंवला नवमी पर महिलाओं ने की पूजा। आंवला नवमी के अवसर पर दुर्ग के राजेंद्र पार्क में अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना लिए महिलाओं ने आंवला पेड़ पर पूजा की, साथ ही डोर बांधकर भगवान की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पार्क में उपस्थित होकर पूजा अर्चना के बाद फलाहार के साथ विभिन्न आयोजन कर इस पर्व का लुत्फ उठाया। इस संबंध में महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और यह पर्व ऐसी है कि सुख शांति समृद्धि सब चीज होती है, सब महिलाएं इकट्ठे होते हैं, सब एक दूसरा तैयार होकर अच्छे से अपना पूजा पाठ करते हैं और आंवला भी नीचे खाना वाना खाते हैं। संविधान का महत्व रहता है लंबी आयु बच्चों के लिए, पति के लिए, और आंवला पेड़ के नीचे बैठ खाने से कुछ अलग और सबसे मिलना हो जाता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। लगते इन लोग असली में मेन महत्व पूजा का है, मौजदा का परिक्रमा करना, दीप दान मेन रहता है, दीप जलाना और यहाँ बैठ के खाना खाना मिलजुल के सब परिवार समेत, और लंबी आयु के लिए भी करते हैं, परिवार सुखी रहे समृद्ध रहे उसके लिए भी रहता है अक्षय नवमी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मतलब पर्व है, कार्तिक महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए विशेष रहता है, इसीलिए अक्षय पुण्य के लिए अपन ये व्रत करते हैं। और कार्तिक, हाँ कार्तिक महीना मेन है तो पूजा पाठ दीप दान इसका बहुत महत्व है। आंवला पेड़ के नीचे जो अपन खाना खाते हैं उनका पूजा करते हैं उसका ना विशेष महत्व है आज के दिन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।